पिता होटल चलाते थे, घर में टीवी तक नहीं था और अब आईपीएल में करोड़पति बन गए चेतन सकारिया। आईपीएल ने कई खिलाड़ियों की किस्मत चमकाई है और इसके माध्यम से उन सभी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है, जब ये पूरा होता है तो किसी जादू से कम नहीं। आईपीएल 2021 से पहले 18 फरवरी को नीलामी में देश विदेश के कई खिलाड़ियों पर बोली लगी। कुछ को बड़ा दाम मिला तो कुछ को छोटी रकम में ही टीमों ने उठाया, लेकिन जैसे भी हो आईपीएल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद का नाम आना किसी चमत्कार से कम नहीं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक रहे सौराष्ट्र की ओर से खेलने वाले चेतन सकारिया। इन्होंने अपने जीवन में कई दुख और बाधाओं को पार करने के बाद क्रिकेट में अच्छा किया और आखिरकार इन्हें भी आईपीएल की नीलामी में संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स ने 1,20,00,000 रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। आज चेतन के पास करोड़ों रुपए जरूर आ गए हो, लेकिन शायद इस बात का दुख नहीं जाएगा कि चेतन के छोटे भाई राहुल सकारिया ने इस आईपीएल नीलामी से करीब 1 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। वो घर की परेशानियों से इतना दुखी था कि उसने अपनी जान दे दी थी। अपने भाई के बारे में बात करते हुए चेतन ने कहा था कि मेरे छोटे भाई ने जनवरी के महीने में ही आत्महत्या कर लिया था। मैं तब घर नहीं था और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा था। ये मुझे तब पता चला जब मैं घर वापस आया, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने फिर भी इस बात को मेरे से छुपाए रखा। मैं जब भी आता था तो ये पूछता था कि राहुल कहाँ है और वो लोग मुझे बताते थे कि वो बाहर गया हुआ है या दुकान से कुछ सामान खरीदने। उसकी कमी मुझे हमेशा खलेगी और अगर वो आज हमारे साथ होता तो मेरे से ज्यादा वो खुश होता। चेतन के पिता ऑटो चलाते हैं। चेतन सकारिया का कहना है कि उसके पिता कांजी भाई उसके पालन पोषण के लिए ऑटो चलाते थे और जब चैन सौराष्ट्र की टीम में हो गया तो उन्होंने अपने पिता को काम पर जाने से मना किया। यहाँ तक कि उनके पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे का मैच देखने के लिए टेलीविजन खरीद सके। आखिर कैसे बदली चेतन की किस्मत। यूएई में हुए आईपीएल के 13वें सीजन में चेतन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में बतौर नेट गेंदबाज रखा था।